हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हरियाणा और पश्चिम बंगाल के सभी बड़ी मंडियों के प्याज के भाव 1 अक्टूबर 2020 को क्या दिखने को रही है। मतलब दोस्तों कल शाम के जितनी भी अपडेट आए हैं प्याज के, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, आप लोग को बता दूं कि अभी हरियाणा के जितने भी अभी जैसे कि दोस्तों किसान भाइयों हमारे बहुत से अभी तक जैसे कि दोस्तों माल नहीं ला रहे हैं हरियाणा के मंडियों में, तो जो उसी प्रकार दोस्तों अभी भाव भी नहीं आ रहे हैं हरियाणा और पश्चिम बंगाल के। तो दोस्तों अब जानेंगे कि आज के मंडियों में क्या भाव रहे हैं जैसे कि हरियाणा और पश्चिम बंगाल के। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के बताएं तो यहाँ पर 4800 रुपये से ऊपर प्याज के भाव देखने को मिले हैं। वहीं पर दोस्तों हरियाणा की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर भी दोस्तों तेजी मंदी का माहौल देखने को मिले। तो किसान भाई जानते हैं आज के भाव क्या रहे हैं हरियाणा के सभी बड़े मंडियों में, ठीक है। तो दोस्तों बात करेंगे छतरौली मंडी में जो कि 2800 रुपये से लेकर दोस्तों 3600 रुपये भाव 3600 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 0.15 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे गोहाना मंडी में जो कि 1000 रुपये से लेकर दोस्तों 1200 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 2.5 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट में जाखल मंडी में जो कि 3500 रुपये से लेकर दोस्तों 3500 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों 0.05 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे मेहम मंडी में जो कि दोस्तों 1600 रुपये से लेकर यहाँ पे 1600 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 0.2 टन देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में पेहुआ मंडी में जो कि दोस्तों 1600 रुपये से लेकर यहाँ पे 1600 का भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 0.2 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट में रादौर मंडी में जो कि दोस्तों 3000 रुपये से लेकर यहाँ पे 3500 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 5 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे साधुरा मंडी में जो कि दोस्तों यहाँ पे 3000 रुपये से लेकर दोस्तों 3200 रुपये भाव देखने को मिले है। प्याज में आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 0.96 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे शाहबाद मंडी में जो कि 1300 रुपये से लेकर दोस्तों 3900 रुपये भाव देखने को मिले है। प्याज में आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 2 टन देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट में शाहजहाँपुर मंडी में जो कि दोस्तों 2000 रुपये से लेकर यहाँ पे 2000 रुपये भाव देखने को मिले है। प्याज में आवक दोस्तों 0.15 टन देखने को रही है। तो आइए किशन भाई बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सभी बड़ी मंडियों के प्याज के भाव। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ठीक है। दोस्तों आसनसोल मंडी की बात करो तो दोस्तों यहाँ पे 3300 रुपये से लेकर 3500 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों 15 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे बलरामपुर मंडी में जो कि दोस्तों 3000 रुपये से लेकर 3600 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 3 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बांकुरा सदर मंडी की बात करूँ तो 3600 रुपये से लेकर 3900 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 25 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे बेलकोबा मंडी में जो कि 3400 रुपये से लेकर यहाँ पे 3600 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 2 टन देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट में बिशुनपुर मंडी में जो कि दोस्तों 3800 रुपये से लेकर यहाँ पे 4200 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 0.60 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे बर्धमान मंडी में जो कि दोस्तों 3800 रुपये से लेकर यहाँ पे 4100 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 14 टन देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट में दुर्गापुर मंडी में जो कि दोस्तों यहाँ पे 3400 रुपये से लेकर यहाँ पे 3500 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 17 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे जलपाईगुड़ी सदर मंडी में जो कि 3400 रुपये से लेकर यहाँ पे 3600 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 4 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे जंगीपुर मंडी में जो कि 4180 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 4230 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 49 टन देखने को रही है। कालना मंडी की बात करो दोस्तों 3800 रुपये से यहाँ पे लेकर दोस्तों 4000 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 3 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे कल्याणी मंडी में जो कि दोस्तों 3900 रुपये से लेकर यहाँ पे 4100 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 3 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे मेदिनीपुर मंडी में जो कि 4200 रुपये से लेकर यहाँ पे 4400 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 13 टन देखने को रही है, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट में मोया नगरी मंडी में जो कि दोस्तों यहाँ पे 3400 रुपये से लेकर यहाँ पे 3600 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों यहाँ पे 4 टन देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट में रामजी किशनपुर मंडी में जो कि 4000 रुपये से लेकर यहाँ पे 4800 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में आवक दोस्तों 1.8 टन देखने को रही है। तो बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट में उलुबेरिया मंडी में जो कि 3600 रुपये से लेकर यहाँ पे 4400 रुपये भाव देखने को मिली है। प्याज में
आवक दोस्तों, आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे 1.8 टन देखने को रही। तो दोस्तों ये थी आज के हरियाणा और पश्चिम बंगाल के सभी बड़ी मंडियों के प्याज के भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और देने के लिए दोस्तों और लेने के लिए भी कमेंट आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग के मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके आके आप लोग कमेंट में आके पूछ सकते हैं। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।